रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट ऑन डेली बेसिस वी आर गिविंग 15 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस फॉर यू इन दिस वीडियो सीरीज वी विल आल्सो सॉल्व प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पेपर लेटर फेज यू कैन एग्जामिन योरसेल्फ बिफोर आरआरबी एग्जामिन यू फॉर मोर प्रैक्टिस यू कैन परचेज आवर बुक्स ऑन रेलवे एग्जाम्स फ्रॉम गिवन लिंक ऑफ Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. Question number 1. Jump ball शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? A. Baseball B. Netball C. Basketball D. Softball सही जवाब होगा ऑप्शन C. जंप बॉल बास्केटबॉल से संबंधित शब्द है गार्ड ड्रिबल हेल्ड गोल आदि इस खेल से संबंधित अन्य शब्द हैं विलियम टार्ड कप राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप तथा बी सी गुप्ता ट्रॉफी बास्केटबॉल से ही संबंधित है क्वेश्चन 2 वर्धा आंदोलन किस से संबंधित है ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले बी महात्मा गांधी सी सुभाष चंद्र बोस डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही जवाब होगा ऑप्शन बी 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में महात्मा गांधी ने लगभग 70 मिनट के लिए ऐतिहासिक भाषा में करो या मरो का नारा दिया था क्वेश्चन नंबर 3 टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं ए पोलो बी स्नूकर सी गोल्फ डी टेनिस सही जवाब होगा ऑप्शन सी टाइगर वुड्स अमेरिका का प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी है विश्व के नंबर एक गोल्फ खिलाड़ी वुड्स को फिजी के भारतीय मूल के गोल्फर विजय सिंह ने 7 सितंबर 2004 को ड्यूस बैंक गोल्फ चैंपियनशिप जीतकर पीछे छोड़ दिया है क्वेश्चन नंबर 4 गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है ऑप्शन ए बीजापुर बी हैदराबाद सी मैसूर डी चेन्नई सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है ये देवगिरी के यादव और बारंगल के काकतीय शासकों के अधिकार में था 1310 ईस्वी में इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की मुगल शासक औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुबशाही राजवंश का अंत कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था क्वेश्चन नंबर 5 सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र यानी कि चमकीला ग्रह है ए मंगल बी बुध सी शनि डी शुक्र सही जवाब होगा ऑप्शन डी सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है ये अत्यधिक तीव्र गति से चलते हुए 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा कर लेता है क्वेश्चन नंबर 6 अभिन्दुकता यानी कि एस्टिगमेटिज्म मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूल प्रमाणित करती है ऑप्शन ए जीभ और वाणी बी यकृत और प्लीहा सी घुटने और जोड़ डी आँखें और दृष्टि सही जवाब होगा ऑप्शन डी एस्टिगमेटिज्म आंख की बीमारी है ये रोग कॉर्निया और लेंस की वक्रता के दोषों के कारण होता है इसे भेंगापन भी कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 7 हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ए ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है बी ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है सी ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित होता है डी इनमें से कोई नहीं सही जवाब होगा ऑप्शन ए हवाई जहाज से जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो वायुमंडलीय दाब काफी कम हो जाता है और पेन के अंदर स्याही का द्रव्य दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है जिससे स्याही पेन से बाहर आ जाती है क्वेश्चन नंबर 8 आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है ए गोल्जी वाडी बी माइटोकॉन्ड्रिया सी लाइसोसोम डी इनमें से कोई नहीं
सही जवाब होगा ऑप्शन सी। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना है। इसकी खोज सीडी दुबे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या है। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान, डी भारत। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। भारत का लिखित संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसमें कुल 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 26 भाग हैं। संविधान की इस विशालता के कारण ही आइवर जेनिंगन ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। क्वेश्चन नंबर 10। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? ऑप्शन ए 1 महीना, बी 3 महीने, सी 14 दिन, डी 6 महीने। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा वही इसका निश्चय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ये विधेयक अनिवार्यतः लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार लोकसभा द्वारा पारित किए गए धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशों सहित लौटा देना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो वो दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? ए 23 मार्च और 21 सितंबर, बी 21 मार्च और 23 सितंबर, सी 1 मार्च और 30 सितंबर, डी 1 सितंबर और 23 मार्च। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 21 मार्च तथा 23 सितंबर इन दो तिथियों को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। इन दोनों स्थितियों को विषुव या इक्विनोथन तथा इन दोनों तिथियों को इक्विनोमोद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। वेदों की संख्या है ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। वेदों की संख्या 4 है। ये हैं ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 13। 100 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ए वित्त मंत्रालय के सचिव का, बी आरबीआई के गवर्नर का, सी वित्त मंत्री का, डी राष्ट्रपति का। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को 1 रुपए के सिक्के, नोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट धारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। इस प्रकार 100 रुपए के नोट पर भी आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। क्वेश्चन नंबर 14। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। हम्पी के मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मौजूद हैं। ये स्थान कर्नाटक राज्य में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 15। महाबलेश्वर अवस्थित है ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी मध्य प्रदेश में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का सुंदर पहाड़ी नगर है। यहाँ कई झील तथा सुंदर बाग हैं। ये पुणे से 100 किलोमीटर दूर है। ये एक पर्यटक स्थान है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले सेट में हम आपके साथ नए सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद।